हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के हिस्ट्री चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर विस्तार से बात करने वाले हैं क्लास। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या कुछ खास बातें हैं, क्या कुछ खास चीज़ें हैं। आइए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे इस टॉपिक का बैकग्राउंड। थोड़ा हम देखें कि इस टॉपिक में क्या क्या दिया गया है। यदि हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो कहता है कि जो रोमन साम्राज्य है, अर्थात रोम साम्राज्य, इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग, और इसके साथ साथ इसमें इसमें आपका यूरोप का पार्ट शामिल है। किसका पार्ट शामिल है? यूरोप का पार्ट शामिल है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा मैप पे चलना पड़ेगा। यदि आप इस मैप में देखेंगे तो आपको इस मैप में साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर आपको फैली हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये रहा आपका यूरोप का पार्ट, ये रहा आपका नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट, और ये रहा आपका जो पार्ट है इसे कहते हैं वेस्ट एशिया का पार्ट। इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य नाम दिया गया। यहाँ की यदि बात करते हैं तो यहाँ कई सामाजिक समूहों में विभाजित था, क्योंकि ये कई सारे सामाजिक समूहों में इसलिए विभाजित था क्योंकि यहाँ के आसपास कई सारी कम्युनिटी, कई सारी यहाँ पर देश के लोग, समूह के लोग, जाति के लोग एक साथ रहा करते थे। यहाँ पर अनेक स्थानीय संस्कृतियों और भाषाओं से संपन्न था, क्योंकि यहाँ पर कोई एक धर्म के नहीं बल्कि अलग अलग धर्म के लोग थे, इसलिए उनकी अपनी अलग अलग स्थानीय संस्कृति और भाषाएं हुआ करती थी। कहता है यहाँ की अर्थव्यवस्था दास प्रथा पर चलती थी, जिसके कारण स्वतंत्रता नहीं के बराबर थी। सिंपल सी बात है, यदि लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, यदि लोगों को हम अपने पास काम करने के लिए रखेंगे, तो उनके पास यदि काम करने के लिए रखेंगे तो वो हमारे पास या उनके पास जो अधिकार होते हैं वो सामान्य तौर से बात है कि वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनकी अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड करती है? दास व्यवस्था पर, अर्थात स्लेव रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए यहाँ के लोगों को फ्रीडम का अधिकार नहीं दिया गया था। इसमें कहता है क्लास, कहता है कि 5th सेंचुरी के बाद, 5वीं शताब्दी के बाद रोम का पश्चिमी भाग खत्म हो गया। अब देखो पश्चिमी भाग खत्म क्यों हो गया था, इसके पीछे भी एक रीजन है। यदि हम पश्चिमी भाग की बात करते हैं तो पश्चिमी भाग पे बात सबसे बड़ी बात यह आती है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो हिस्सा था इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि पश्चिमी भाग में ससानी डायनेस्टी और अर्मेनियन, ये दोनों ही सभ्यताएं, अर्थात ये दोनों ही वंशों का उदय होता है पश्चिमी भाग में, और ये दोनों ही वंशों का उदय ईरान और इराक में होता है, जिसके कारण ये पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। पूर्वी आधे भाग में रोम साम्राज्य अखंड और समृद्ध बना रहा, मतलब यदि पूरे रोमन साम्राज्य यदि 1000 साल तक रहा तो इसके 500 साल तक तो ये काफी समृद्ध रहा, लेकिन 500 सालों के बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू हो चुका था। कहता है ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं सदी के पूर्वार्ध पहले से 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 शशक के साम्राज्यों का विकास होता है। सशक्त, सॉरी यहाँ पे क्लास थोड़ा गलती हो गया, सशक्त साम्राज्य होता, यहाँ पर 2 सशक्त मजबूत शासन का जन्म होता है। अब देखो ऐसा क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे मजबूत शासन का जन्म होता है, तो 630 ईस्वी के समय में, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया कि जो पश्चिमी भाग था रोम का वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन यहाँ देखो कहता है कि पूर्वार्ध वाले हिस्से में बात करते हैं तो यहाँ पर जो ईरान और इराक के जो लोग थे, इनका उदय हो रहा था, जिसके कारण यहाँ पर बड़े बड़े डायनेस्टी का विकास देखने को हमें मिल जाता है। कहता है कि रोम के मध्य पूर्व भाग में 2 साम्राज्य रोम और ईरान था। ये दोनों एक दूसरे के नजदीक थे क्योंकि ये दोनों के बीच की जो लाइन होती है वो केवल और केवल फरात नदी से अलग होती थी। रोम और ईरान साम्राज्य एक दूसरे से फरात नदी के संकरी पट्टी से, मतलब फरात नदी बीच में पाए जाते थे, इनके छोटे वाले हिस्से से ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे। रोम साम्राज्य के बीच वाले भाग में
वो मध्य सागर से अलग होती थी, जिसके पश्चिमी भाग में स्पेन से लेकर के पूर्वी भाग में सीरिया तक फैला हुआ था। इसको समझिएगा ऐसे, जैसे कि आप ये मैप यदि देख रहे हैं तो ये रहा आपका नॉर्थ पार्ट, ये रहा आपका ईस्ट पार्ट, ये रहा आपका साउथ पार्ट और ये रहा आपका वेस्ट पार्ट। तो नॉर्थ में यदि देखिएगा तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा ये वाला पार्ट यहाँ तक फैला हुआ है, और इसके साथ साथ और इसके साथ साथ ये जो पार्ट है ये है आपका स्पेन का पार्ट है, और ये रहा आपका मेसोपोटामिया का पार्ट, यहाँ तक फैला हुआ है। नॉर्थ में देखा जाए तो नॉर्थ वाला पार्ट जो है आपका राइन और डेन्यूब तक फैला हुआ है, जबकि साउथ वाला जो पार्ट है वो सहारा डेजर्ट तक फैला हुआ है, और बीच में आपका पाया जाता है मेडिटेरियन सी, और यही मेडिटेरियन सी आपका रोमन एम्पायर को दो अलग अलग भागों में बांटने का काम करता है, जो जिसे हम कह सकते हैं नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट में से डिवाइड करता है। इसी में अब इसका थोड़ा सा आगे चलते हैं तो क्लास में कहता है क्या कहता है कि रोम साम्राज्य के जो हमारे पास रोमन डायनेस्टी थी उसके उत्तरी भाग में सीमा का निर्धारण मतलब सीमा को डिसाइड करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें थी। तो सीमा का निर्धारण दो नदी करती थी जिसका नाम था राइन नदी और डेन्यूब नदी करती थी, और दक्षिणी हिस्से में उसके सीमा का निर्धारण सहारा रेगिस्तान करती थी। इस प्रकार से रोमन साम्राज्य का क्षेत्र काफी फैला हुआ था। यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो कैस्पियन सागर के साउथ भाग से पूर्वी भाग अरब तक का क्षेत्र और अफगानिस्तान तक के क्षेत्र पर ईरान का शासन था। तो कह सकते हैं कि आपका जो नीचे का पार्ट दिखाई पड़ेगा ईस्ट वाला पार्ट, ये जो ईस्ट वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, इस ईस्ट वाले पार्ट में जहां तक आप देखेंगे वहां तक पूरे इलाके पर ईरान का शासन देखने को मिल जाता है। इसमें कहता है क्लास क्या, इसमें कहता है कि इस समय दो महान शक्तियों ने दुनिया के अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था। तो दो महान जो शक्तियां थी वो था ईरान था और दूसरा था इराक था। इसीलिए चीनी लोगों ने इस प्रकार के विभाजन को ही एक नाम दिया जिसे बोलते हैं ता चीन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ता चीन नाम दिया गया। तो क्लास ये तो था हमारे आज के इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन अर्थात बैकग्राउंड के बारे में। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लास।